वेलकम बैक दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आईटी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर सेक्टर में कैसे कोई भी इंसान अपना करियर बना सकता है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द एजुकेशन, जॉब्स, सैलरी पैकेजेस और टॉप इंडियन आईटी सिटीज़ के बारे में आपको बताया था, राइट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली एक जॉब कैटेगरी के बारे में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे कोई भी इंसान विदाउट एनी डिग्री, विदाउट एनी सीएस डिग्री स्पेसिफिकली, कैसे आईटी इंडस्ट्री में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर सकता है। ऐसे सिंपल तीन स्टेप्स आपको बताऊंगा जो कि आपको फॉलो करने हैं और आप एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं वी टॉक डिजिटल। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आप पूरी देखिएगा ज़रूर, अदरवाइज जो तीन मेजर स्टेप्स के बारे में मैं आपसे बात करूँगा उनमें से अगर आप एक भी मिस कर जाएंगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी आगे आने वाले दिनों में। ओके, तो अब मानते हैं कि आपने कोई कंप्यूटर साइंस डिग्री नहीं कर रखी, या ये भी मानते हैं कि आपने कर रखी, आप एक सीएस स्टूडेंट हैं। ओके, तो अब अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर आखिर होता कौन है। ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिकली वो इंसान होता है जो आप मोबाइल एप्लीकेशन, जो वेबसाइट, जो वेब एप्लीकेशन या जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे होते हैं उसके बैकएंड का जो कोड लिखा होता है वो उस पर्टिकुलर पर्सन ने बनाया होता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन तीन मेजर स्टेप्स के बारे में जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में। ओके, तो इसमें जो सबसे नंबर वन पॉइंट आता है वो है लर्निंग द कोड। अब लर्निंग द कोड का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको कोड सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया पहले कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम ही यही होता है, कोड लिखना। ओके, पर अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए कि मैं कौन सा कोड सीखूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत से एग्जांपल दिए, लाइक मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ओके, तो आपके माइंड में ये क्लियर ज़रूर होना चाहिए कि मुझे किस फील्ड में काम करना है। आपको कोई एक फील्ड पिक करनी है, आपको ऐसा नहीं करना कि मुझे सारी फील्ड्स का ही काम सीखना है। आप फ्यूचर में सीख सकते हैं पर स्टार्टिंग में आपको अपने करियर में किसी एक फील्ड को ही पकड़ना होगा, लेना होगा। ओके, चलिए यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि आप मोबाइल एप्लीकेशन में जाना चाहते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी। ओके, इंटरनेट पे बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ से आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। अगर आपको पढ़कर समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं, मतलब यूट्यूब पे ऐसी बहुत सी वीडियोस अवेलेबल हैं जहाँ से आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, और साथ ही साथ अदर प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं जहाँ से आप पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। पेड कोर्सेज लेने का आपका फ़ायदा ये होगा कि जहाँ से आपने कोर्स लिया होगा वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आपने पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी वहाँ से सीखी है। ओके, लर्निंग फेज में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं तो साथ ही में उसकी प्रैक्टिस भी बहुत करनी है। यहाँ पे प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आपने 8-10 दिन प्रैक्टिस किया और आप उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से सीख जाएंगे, ये ख्याल आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। आपको उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कम से कम 3 से 4 महीने, तब आप जाके ये होगा कि आप उसके बेसिक्स क्लियर कर पाएंगे। साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड टूल्स होते हैं जो कि रेगुलर मार्केट में यूज़ हो रहे हैं, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूज़ कर रहे हैं, उन टूल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको ये भी करना है कि जो दूसरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने कोड लिखा है उनके कोड को आपको पढ़ना है, मतलब जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, आप चाहे आपके कलीग्स हो या कुछ भी हो, या फिर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी ऐसे सोर्स कोड मिल जाते हैं जो जिनको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लर्निंग फेज में ही आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कम्युनिटी को भी ज्वाइन करना है। अब इंटरनेट पर अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ आपको मिल जाएंगी। कम्युनिटीज़ का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे सेम सेक्टर के लोग काम करते हों, राइट। तो इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस कम्युनिटी से पूछ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकते हैं, दूसरे लोग आपको आंसर्स दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी, आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में। चलिए मान लेते हैं कि आपने किसी न किसी तरीके की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, पर आपको एक्चुअल में यहीं रुक जाना है। आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करने से पहले इंटरव्यू की तैयारी करनी है। बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो इंटरव्यूज़ में जाते हैं और फेल हो जाते हैं। उसका एक रीज़न ये होता है कि वो लोग इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते। ओके, तो आपको बकायदा इंटरव्यू की तैयारी करनी है, प्रिपेयर होना है सेल्फ से कि इंटरव्यूज़ में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। जो बेसिकली होता ही है कि इंटरव्यू में कुछ तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, आप चाहे फ्रेशर हैं चाहे एक्सपीरियंस होल्डर, आपसे वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके कुछ फिक्स स्टैंडर्ड आंसर्स होते हैं। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं कि इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं, किस तरीके से जो एचआर या जो भी आपके सीनियर बैठे होते हैं सामने, जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं उनके क्या क्या आंसर देने होते हैं, किस वे में देने होते हैं, क्या तरीका होता है आंसर देने का। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, बिना प्रिपरेशन के आपको इंटरव्यूज़ में कतई नहीं जाना है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 के बारे में जो कि है गेटिंग एन इंटरव्यू।
अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आपने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, आपने इंटरव्यू के लिए भी तैयारी कर ली, पर रियल मायने में आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल कहाँ से आएगा, कैसे कोई कंपनी आप तक रीच करेगी। ओके, तो आपको करना क्या है कि जो भी जॉब पोर्टल वेबसाइट्स होती हैं, लाइक naukri.com हो गया, इंडीड हो गया, shine.com हो गया, इन सभी पे आपको अपने अकाउंट्स बनाने हैं, वहाँ पे आपको अपना रिज्यूमे अपडेट करना है। ओके, अब इससे होगा क्या कि जब भी किसी कंपनी में कोई रिक्रूटमेंट निकलेगी तो वो कंपनीज इन वेबसाइट्स पे अपनी जॉब पोस्ट करती हैं। ओके, तो जॉब पोस्ट करेंगे तब ये वेबसाइट्स आपको रिकमेंड कर देते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी में जॉब आई है जो कि आपकी कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो आपके पास ईमेल नोटिफिकेशन आ जाते हैं, आप उस पर्टिकुलर जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं और वो कंपनी के एचआर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये कि जो ऑनलाइन कम्युनिटी या जो ऑनलाइन नेटवर्क आपने बनाया है वहाँ पे आप अपने स्किल्स को शेयर करें, लोगों को बताएं कि आप किस टेक स्टैक पे काम करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी में आप काम करते हैं, ताकि उन लोगों के ध्यान में जब भी कोई जॉब आए तो वो आपको रिकमेंड कर सकें। तो दोस्तों यही तीन मेजर स्टेप्स थे जो कि आपको फॉलो करने हैं। अब चाहे आपने कोई कंप्यूटर साइंस डिग्री कर रखी हो या नहीं कर रखी हो, एक बात आपके दिमाग में जरूर क्लियर होनी चाहिए कि आपको इस चीज़ में, इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम महीने दो महीने में ये चीज़ कर लेंगे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आप इस फील्ड में बिल्कुल भी कदम मत रखिएगा। और दोस्तों अगर ऐसा है कि आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आईटी इंडस्ट्री में और भी ऐसे जॉब सेक्टर्स अवेलेबल हैं जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं, उन्हीं में से एक है डिजिटल मार्केटिंग। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, किस तरीके के कोर्सेज आपको करने की ज़रूरत है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोज आएंगी उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।